सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लेकर आई हूँ। आज मैं अपने 1 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी दोस्तों इस वीडियो में। ये मैंने घर पर ही बनाया था और रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इस रेमेडी से आपके घर में अन्य प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं वो कभी नहीं होंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है कपूर, और यहाँ पर मैंने कपूर की गोलियाँ ले लिया है और कुछ फिटकरी ले लिया है, ये देख सकते हो आप। तो हमें यहाँ पे पहले कपूर और फिटकरी का पाउडर बनाना है, तो मैं यहाँ पर 3 कपूर की गोलियाँ ले लेती हूँ और फिटकरी का भी पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से कपूर होता है, आपको इजीली मिल जाएगा 10 से 15 रुपए की। आप चाहो तो मंदिर वाला जो कपूर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ये वाला मिल जाए तो भी ठीक है। तो इसका फाइन पाउडर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं इसको पहले फिटकरी को तोड़ ले रही हूँ इस इमाम दस्ते की हेल्प से। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ये टूटना शुरू हो गया है। अब ये कपूर को भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो चलिए, इसका मैं फाइन पाउडर बना ले रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे गाइस, मैंने फाइन पाउडर बना लिया है, अब ये रेडी हो गया है। अब इसमें मुझे ऐड करना है 1 चम्मच नमक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों, नमक को मैं इसमें ही मिक्स कर लेती हूँ कपूर और फिटकरी का पाउडर के साथ। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब इसको साइड में रख देती हूँ। मैंने पानी को नॉर्मल कर लिया है। अब ये उबला हुआ अच्छा बॉयल बैक्टीरिया फ्री पानी है। अब इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। जो क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो वो क्वांटिटी में बना के रख सकते हो। तो ये सारा जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसको इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है दोस्तों। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो है डेटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो आपके घर में खटमल, मच्छर, मक्खी, जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हो, बाहर के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है जो बनकर तैयार हो गया है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 2 ढक्कन डेटॉल को लेकर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और कुछ इस तरह की बोतल में स्टोर कर लो। कम से कम 1 या 2 हफ्ता तक का ये जो मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाया है ये आराम से चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो ज़्यादा दिन चलेगा दोस्तों, 1 से 1.5 महीना भी चल सकता है। अब मैं सारा इस मिक्सचर में ऐड कर लेती हूँ। तो देखा आपने कितना झटपट से बनकर तैयार हो गया है हमारा होममेड स्प्रे। तो आई होप कि आपको यह यूज़फुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलूँगी।